हाय हेलो, मैं काजल और तुम? मैं लिपस्टिक। तुम्हारे घर में रात को 8 बजे आटा खत्म हो जाए और मोबाइल में डाटा भी खत्म हो जाए, तो सबसे पहले तुम मोबाइल में डाटा कराओगे या आटा लेकर आओगे? कुछ लोग तो इतने खाली बैठे होते हैं साहब, चीटी का रास्ता रुक कर कहते हैं अब किधर जाएगी। हाँ, पता नहीं आज किसकी किस्मत खुलेगी साहब। 10 रुपए की मूंगफली ली थी, ट्रेन में ही रह गई। हाँ, तो कह रहे जानवरों में खाना पकाने का रिवाज नहीं होता, वरना हाथियों के खानदान की बहू तो रोटी बना बना कर ही मर जाती। हाँ, लोग प्यार में बिजी है और मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे को रील भेजने में बिजी है। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? उफर परा, हम कहते चूल्हे में जातू, हम कहते तोरे हैया धैया, तोरे टीवी हुए, तोरे पेचिस परे लागे, तोहिन सुंदरिया बाकी हमारे सब सैता नहीं। अच्छा सही ना, तू का गोर गोर चमड़ी नहीं दिखाती है। अगर कोई लड़की आपको देखकर मुंह बना ले तो समझ जाइए उसने आपके अंदर के शक्ति कपूर को देख लिया है। 8-9 साल बाद हिंदी किताब खोल के देखी, उस आड़ा कौवा आज तक प्यासा ही बैठा। शादी ब्याह का सीजन फिर शुरू हो गया भैया। अब बारात में पहुंचा झंडू झंडू बराती है, सोची कि दुल्हनिया और क्या कुल लड़कियां माइक लगते रहीं। अच्छी खासी चैटिंग हो रही थी उससे, फिर एक दिन मेरा दिल तब टूट गया जब उसने सोने जा रही हूँ की जगह सोने जा रहा हूँ लिख दिया। साला इच्छाधारी हिजड़ा निकला। भैया, मैंने पापा से कही कि पापा 2000 रुपए दे दो, जूते लेने हैं। तो पापा कहते क्या कि क्या करेगा इतने महंगे जूते का, 500-600 रुपए के ले ले, चलना तो फिर भी तुझे गलत रास्ते पे ही है। क्यों ना एक दिन पत्थर डे भी मनाया जाए, 4-5 लोगों के सिर फोड़ने हैं मुझे। तुम्हें पता है हिप्नोटाइज किसे कहते हैं? हाँ, किसी को अपने वश में करके उससे अपने सारे काम कराना। झूठी, उसे तो शादी क्या मैं किसी बातें कर रही, आज तो पीके आया क्या? मेरी घरवाली बहुत दिन से मेरे से कह रही कि मैं कोई सोने की चीज दिलाओ, मेरे को कोई सोने की चीज दिलाओ। अब बीवी है यार, बात तो माननी पड़ेगी। तो मैं आपको नींद की गोली दुआ लायो, 4-5 दिनों को बढ़िया तरह सो रही है। करिया हम तो का हो गए, फिल्टर लगा लगा के वीडियो बनाबो। मेरा बेबी, मेरा सोना, तुम मुझसे शादी करोगे मेरा बच्चा? अबे तू इसे प्रपोज कर रही है या गोद ले रही है? वो बहन जी, आपका दुपट्टा 150 का है। आज के बाद किसी को सलाह नहीं दूंगा। एक दोस्त था, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी। हाँ? मैंने उसको बोला लटका कर, पंखा पे लटक गया। मेरा नाम लिख के चला गया थाने में, पुलिस पीछा पड़ी। एक बात हमेशा याद रखियो, इंसान उतनो बुरा भी नहीं दे जितनो वो आधार कार्ड में दिखा, और इंसान इतना अच्छा भी नहीं दे जितनो इंस्टाग्राम की डीपी में दिखा। राजिका, तुझसे एक बात पूछनी थी। हाँ, पूछ। यार ये जो तुम लड़कियां भाव खाती हो, ये तुम हाथ से खाती हो चम्मच से? ये क्या बात हुई यार? अरे तुम भी तो बहुत भाव खाती है, जल्दी बताओ। हाँ, बस बातों से भाव खा ले और कहीं ना। सब शादी कर रहे हैं और मैं यहाँ डिसाइड कर रहा हूँ कि उनकी शादी में कहाँ पहनूं। घमंड तो इस बात का है, आज तक कभी रंग गोरा करने वाली क्रीम नहीं लगाई। जब फिल्टर से काम चल गया तो क्रीम का क्या होगा? टेंशन मतलब बताऊंगा किसी को नहीं। हमारा जो जो उधार पैसा लेने है तो चुपचाप लौटा दे, अब नहीं तो। बहुत धोखा खा लिया जिंदगी में, अब मैं निर्मा पाउडर वाली से ही प्यार करूंगा, क्योंकि वो खुद कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। एक बात पूछनी है,
शादी से पहले दुबली पतली लड़कियां शादी के बाद मोटी कैसे हो जाती है? जो हमेशा हंसता रहता है उसको हंसमुख कहते हैं, और जिसका हंसना हमेशा के लिए बंद हो जाता है उसको हंसबैंड कहते हैं। सुनो ना। हाँ। आजकल सारी औरतें अपने पतियों का नाम लिखवा रही हैं। मैं भी लिखवा लूँ? हाँ लिखवा लो। कहाँ लिखवाऊँ? अपने बाप की प्रॉपर्टी पे। बदतमीज क्या कर रहे हो? मैं तो इंजीनियरिंग कर रही हूँ, आप बताओ आप क्या कर रही हो? जिंदगी में सब कुछ देख लिया मेरे दोस्त, बस अब तेरी शादी देखनी बाकी है। और कल मैं अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रहा था तो आज मेरे चार रिश्ते आ गए। ओह मैडम एक्सक्यूज मी, मोहब्बत कर ली आपसे बहुत सोचने के बाद, अब किसी को देखना नहीं तुम्हें देखने के बाद, दुनिया छोड़ देंगे तुम्हें पाने के बाद, और खुदा माफ करे इतना झूठ बोलने के बाद। सोच रहा हूँ कि उसे आई लव यू बोल ही दूँ, अगर कुछ कहेगी तो बोल दूंगा आईडी हैक हो गई थी। घर वालों को तो पता भी नहीं होगा कि उनके बच्चे सोशल मीडिया पर दामाद और बहू ढूंढने में कितने परेशान हो रहे हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त को देखकर दुश्मन भी यही बोलते हैं कि इन सालों से पंगा मत लो, क्योंकि ये लोग हर बात बात पर गालियां देने लगते हैं। सुनो जी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। अरे वो तो अभी भी है। सच में? हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है।